A very enthusiastic good morning to all of you. How are you? Hope you are well and healthy and staying at home, right? Do remember to wear mask when and where needed and sanitize yourself properly at regular intervals, okay? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चारों तरफ एक वायरस घूम रहा है। इस वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस, राइट? हमें इससे बचना है। अब कैसे हम इससे बचेंगे? मास्क का यूज करेंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और बिना मतलब बिना कोई रीजन के बाहर नहीं जाएंगे, है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक दिस एंड दैट। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो दिस किसे कहते हैं? दिस इज यूज फॉर पॉइंटिंग सिंगुलर नंबर, ठीक है? दिस हम किस लिए यूज करते हैं? किसी सिंगुलर नंबर को इंडिकेट करने के लिए दिस यूज करते हैं, जो हमारे पास हो, नियर बाय, ठीक है? जैसे ये आइसक्रीम है, ठीक? यहाँ हम लोग एक आइसक्रीम ड्रॉ किए हैं और इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? दिस, THIS, दिस। दिस इज एन आइसक्रीम। और हम लोग क्यों इसमें दिस लगाएंगे इसके साथ? क्योंकि ये नियर है, पास है, हमारे बहुत पास है, ठीक है? तो दिस हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जब कोई सिंगुलर नंबर को इंडिकेट करते हैं जो कि हमारे पास हो, तब हम लोग दिस का यूज करते हैं, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग। दिस इज एन एग। सो वी हैव टू राइट हियर, दिस is an egg, right? और हम लोग यहाँ किस लिए दिस यूज किया है? क्योंकि ये जो एग है ये हमारे बहुत ही पास है, और अगर ये एग दूर होता तो हम लोग क्या यूज करते? दैट, ओके? व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्री। दिस इज द ट्री। दिस is a tree. So, इसमें भी हम लोग this का यूज किए हैं। this का यूज क्यों किए हैं? क्योंकि ये हमारे बहुत ही पास है। अगर ये हमारे हमसे बहुत दूर होता तो हम लोग क्या यूज करते? that. that भी सिंगुलर नंबर को ही इंडिकेट करता है, लेकिन ये दूर के लिए यूज करते हैं, ठीक है? अगेन, this is a, what is this? This is a heart. This is a heart. Okay? Again, this is a kite. Kite पता है ना आप सबको? उस पुराने वाला आसमान में उड़ाते हैं हम सब, उसको kite कहते हैं, ठीक है? और हम लोग यहाँ दिस क्यों यूज किए हैं? क्योंकि ये काइट बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास है हम सब से, और अगर ये काइट दूर होता तो हम सब क्या यूज करते? दैट। दैट का यूज हम लोग तब करते हैं, दैट भी सिंगुलर नंबर को ही इंडिकेट करता है, लेकिन हमसे जो दूर होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट। इज दैट क्लियर? अगेन, दिस इज अ फ्लावर, राइट? सो अभी हम लोग क्या देखे हैं? कि दिस का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? सो दिस इज यूज फॉर पॉइंटिंग सिंगुलर नंबर एंड नियर। क्या पॉइंटिंग करते हैं? कि सिंगुलर नंबर को दिस पॉइंटिंग करते हैं, और क्या करते हैं? जो हमारे पास हो, और दैट इज यूज फॉर पॉइंटिंग सिंगुलर नंबर ऑल्सो बट फार अवे, जो हमसे दूर हो, ठीक है? जैसे हम यहाँ हैं और बोट वहां है, तो बोट थोड़ा सा दूर है हमसे। अब अगर बोलेंगे कि व्हाट इज दिस, दिस होगा? नो, दैट। क्योंकि ऐसे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमसे दूर है। अगर दूर से इंडिकेट करेंगे व्हाट इज दैट, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे?
व्हाट इज दैट को क्या आंसर करेंगे आप लोग? दैट इज अ ब्लैक बोर्ड. और अगर हम यहां से आपको बोलेंगे पास से, बोर्ड के एग्जैक्ट पास से आपको क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, क्यों? क्योंकि हम एकदम बोर्ड के पास है, इज़न्ट इट? और आप लोग आंसर में क्या बोलेंगे? दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, नॉट ब्लैक बोर्ड. व्हाइट है ना कलर इसका, सो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. क्लियर? ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि दैट का यूज हम लोग कब करेंगे. ओके, ये एक आइसक्रीम है, ठीक है, दैट इज एन आइसक्रीम. इसको हम दैट क्यों यूज किए हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है ना. अगर ये आइसक्रीम यहां होता तो हम लोग क्या यूज करते? दिस इज एन आइसक्रीम, क्योंकि ये आइसक्रीम हमारे बिल्कुल पास होता है ना. लेकिन ये आइसक्रीम हमारे पास नहीं है, ये आइसक्रीम दूर है. सो वी यूज दैट अगेन. That is an egg. यहां भी हम लोग see, यहां भी हम लोग that का use किए हैं. क्यों? क्योंकि ये egg जो indicate कर रहा है ये बहुत ही दूर है, ये egg भी बहुत दूर है. अगर ये egg यहां होता तो हम लोग क्या use करते? This. This is an egg. Right? Now. That is a tree. ये एक tree है, लेकिन यहां भी हम लोग that का use किए हैं. That का use क्यों किए हैं? Again, ये बहुत दूर है. ये tree अगर यहां होता तो हम लोग क्या use करते? These. T H I S. This. T H A T. That. Clear? Again, that is a hut. Hut. ये भी देखो, look at this. ये भी दूर है ना, ये hut हमसे दूर है ना. ये hut हमसे दूर है, इसलिए हम लोग क्या use किए है? Hut के लिए that का use किए. ये hut अगर यहां होता तो हम लोग क्या यूज करते है? इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट. नो, तब हम लोग यूज करते दिस, ये रॉन्ग हो जाता. और इसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट. सो दैट इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. ओके, नाउ काइट, व्हाट इज दिस? Kite na? Is a kite. ये क्या है? यहां हम लोग को क्या करना है? क्या फील करेंगे यहां हम लोग? This or that? अगर हम लोग this लिखते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये kite दूर है. So we have to write here that. T H A T. That. Again, that is a flower. So, क्या सीखे आज हम लोग? पास में रहना,
हैं ऐसा कोई भी थिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस। और दूर जो भी है, कुछ भी सिंगुलर नंबर जो दूर हो हमसे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर राइम्स, रिसाइट विथ मी। राइम्स नेम, वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5 Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. Once again, okay? 1, 2, 3, 4, 5 Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. That's all. Have a nice day.